उल्हासनगरमध्ये महागाईच्या विरोधात शिवसेनेने जनआंदोलन करत मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. पेट्रोल, गॅस सिलेंडर, डिझेलच्या वाढत्या भावामुळे नागरिक हैराण झाले आहे. लसीकरण होत नसल्याने मोदी सरकार विरोधात शिवसेनेतर्फे जनआंदोलन छेडण्यात आले. महाराष्ट्रभर शिवसेना के तरफ से ये महंगाई के विरोध में आंदोलन है. उसी तरह उल्लासनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में केंद्र सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, जो डीजल के भाव बढ़े हैं, पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, गैस के भाव बढ़े हैं, उसके साथ ही साथ ये महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार जो सौतेले व्यवहार कर रही है, गुजरात के लिए 1000 करोड़ की निधि राशि मंजूर किया जाती है, जबकि गुजरात सरकार ने 1 रुपया भी केंद्र सरकार से मांगा नहीं था, फिर भी उनको 1000 कोटी रुपया दिया गया. लेकिन महाराष्ट्र के साथ जो सौतेला व्यवहार ये केंद्र सरकार कर रही, खास करके मोदी और अमित शाह कर रहे, इनका निषेध करने के लिए आज हमने ये आंदोलन यहाँ पर किया है. मोदी सरकार जब से आई है तब से हमें ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार आने के बाद जो भी देश की परिस्थिति है वो सुधर जाएगी, लेकिन ये सरकार आने के बाद परिस्थिति खराब हो गई है. जब ही कांग्रेस सरकार थी तभी ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार आएगी तो देश की परिस्थिति सुधरेगी, महंगाई कम हो जाएगी, ऐसे आश्वासन उस वक्त मोदी सरकार ने दिए थे, खुद मोदी ने दिए थे. और आज मोदी सरकार चुपचाप मोदी बैठे हुए हैं और मोदी सरकार सब अन्याय देश के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं. खास करके आपको बताऊँ, कोरोना के कार्यकाल में जो मोदी सरकार ने जो महाराष्ट्र के साथ व्यवहार रखा है, जबकि आपको मालूम है जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहब मांग कर रहे हैं जो भी ऑक्सीजन जो भी है कि जो वैक्सीन देने का रजिस्ट्रेशन जो है वो हमें दे दो, महाराष्ट्र से हम करेंगे, लेकिन अभी तक दिया नहीं, उन्होंने अपने पास रखा है. वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन बराबर होता नहीं है, इसलिए लोगों को वैक्सीन मिलती नहीं है. वैक्सीन की मांग नहीं करने के बाद, मांग करने के बाद वैक्सीन बराबर मिलती नहीं है. ये ऐसे ही ये सरकार का निषेध किया जा रहा है. ये सरकार निकम्मी है, नरेंद्र मोदी निकम्मा है, नरेंद्र मोदी निकम्मा है, नरेंद्र मोदी निकम्मा है, ये सरकार निकम्मी है. आपने वसूली केंद्र कहा, क्या इससे सिद्ध हो रहा है कि वाजे इन लोग से जुड़ा हुआ था? नहीं, वो महाराष्ट्र का मैटर है, महाराष्ट्र के लेवल पे महाराष्ट्र के नेता बात करेंगे, लेकिन नरेंद्र देवेंद्र केंद्र वसूली है, बराबर है. ये यहाँ पर उनकी सरकार थी देवेंद्र की, तो क्या वसूली नहीं हो रही थी? क्या वसूली हो रही थी? यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे आपको मालूम है कितनी वसूली कर रहे थे? परमवीर सिंह यहाँ पे कमिश्नर थे थाना जिला में, हमने सबने देखा है परमवीर सिंह यहाँ पर कितनी वसूली कर रहे थे और कौन से पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे, इसका सबने नतीजा देखा है. हमने खुद कल्याण कारपोरेशन के चुनाव में देखा है कि उन्होंने दम दिया है लोगों को, कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन करो नहीं तो आपको हम तड़ी पार कर देंगे, हम आपकी वाट लगा देंगे, ऐसा परमवीर सिंह का कहना था. तो परमवीर सिंह किसका कार्यकर्ता होगा आप सोच लो. मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार.